आदाब दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजेपी न्यूज में। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर पहली सूची जारी होने के बाद उसमें जो नाम आया उसमें हमारे साथ मोहन मते जी है। 99 कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट में जारी किए, आपका नाम भी उसके अंदर शामिल है। किस तरह की खुशी है, किस तरह का प्रयास है इस बार इलेक्शन को जीतने का? खुशी का विषय नहीं, हम जिस पार्टी को बिलाम करता हूँ जी, तो पार्टी जिसको उम्मीदवारी देती है जो कुछ काम देख के देती है, कुछ उसके संगठन शक्ति देख के होती है, संगठन शैली देख के होती है। तो मुझे पार्टी को लगा कि मैं चुनाव जीत सकता जी। और हमारे यहाँ सर्वे भी होता है, 5-5, 6-6 सर्वे होते हैं, इसलिए पार्टी ने मुझे मुझ पर विश्वास दिलाया और मेरे को उम्मीदवारी मिली। 5 साल हो चुके जो जनता ने आपको चुनकर दिया, किस तरह के विकास कार्य दक्षिण नागपुर में मोहन मते द्वारा किए गए? मुझे ऐसा लगता है मैंने जितने काम किए, आपको मालूम है कि 400 करोड़ के सीमेंट रोड के काम दक्षिण नागपुर में चालू है, उसके बाद 2 ब्रिजेस मानेवाड़े चौक माघे नगर चौक, उसको अभी कॉमन वो मानेवाड़े से चालू होगा और माघे नगर उतरेगा, उसके बाद एक छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पे स्टोर इंडोर स्पोर्ट्स गेम स्टेडियम, वो उसका काम अभी चालू होने जाने वाला है। सरकार तरफ के लिए बड़े पैमाने में निर्देश लाया, हमारे यहाँ का एक बड़ा नाला जिसके कारण जो फ्लड आया था, जो कुछ लोगों के घर में पानी भी गया था, तो वो नाले का भी काम अभी जोरों शोर से चालू होने वाला है। मेडिकल कॉलेज के लिए 500 करोड़ रुपये लाए, उसके बाद जो जो बस्तियाँ जहाँ जहाँ काम करना चाहिए था, एक 80% का मैंने पूरा किया वो मतदार संघ में, और 20% बैलेंस है। आखिर विकास से कायम चलने वाली प्रक्रिया, कुछ जैसा हमारे ये जो आज मैं 57 साल का हूँ, 10-20 साल और जीऊँगा, लेकिन उसी प्रकार के काम ही रहते हैं, आज न कल वो खराब होना है। तो जो भी अच्छे काम अच्छे कार्य है वो करने का प्रयास मेरे से 19 से चालू है, तो लेकिन 2 साल कुछ करने पर कोविड के कारण, लेकिन कोविड खत्म होने के बाद और सरकार आने के बाद मुझे ऐसा लगता है 2.5 साल में इतने काम के 5 साल में नहीं कर पाता था। इतने काम मैंने साउथ नागपुर में किया हूँ, कार्यकर्ता के प्यार के कारण, स्नेह के कारण, पब्लिक के स्नेह के कारण पिछले 2.5 साल में ये जितना चेहरा मोरा तो नहीं बदला, लेकिन जितना विकास हुआ उतना शायद इसके पहले कभी हुआ। इसके पहले के इलेक्शन की बात की जाए 2019 में काफी कम मार्जिन से जो है आपकी विजय हुई, किस तरह से उसको कवर अप करने का, किस तरह से जनता को विश्वास में लेने का इस बार कार्य मोहन मते जी करने वाले? देखो, मैं पिछले चुनाव में 4013 वोट से जीता था, एक तो 15 साल का गैप था और 15 साल के बाद पार्टी ने मेरे को उम्मीदवारी दी थी। उस समय हमारे कुछ एक दो लोग थे जो भाजपा बटनोपुर थे, हमारे एक परिषद ने मंडोरी घोरी की थी, सेना हमारे साथ अलायंस में थी, उन्होंने भी की थी, तो नेचुरली उन्होंने हमारे कुछ हुट काटे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हुट कटाव काम नहीं होगा और ये चुनाव में 1-1 भी फाइट हो गई तो मैं बड़े बहुमत से मैं चुनाव जीतूंगा। शिवसेना इस बार जो है भाजपा के साथ नहीं है इस विधानसभा इलेक्शन में, क्या इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पूरे महाराष्ट्र में होने वाला है, किस तरह से देखते हैं आप? मुझे ऐसा नहीं लगता, जिस प्रकार के सरकार ने काम किया है सभी लोगों के लिए, तो आने वाले काल में शिवसेना भाजपा युति जीतने वाली है, एनसीपी युति जीतने वाली है, क्योंकि लोग काम को देखते हैं, काम को पसंद करते हैं। जिन्होंने 2.5 साल में कुछ किया ही नहीं, वो ना बांधपन के लिए परंतु बाकी का ही नहीं के लिए मराठी जिसको कहते हैं, तो जिस प्रकार से काम जिस प्रकार के काम युति शासन ने किए और उस आधार पर और ऊपर में मोदी जी की सरकार है, तो दोनों का एक मिलाप होने वाला है और निश्चित ही आने वाले चुनाव में भाजपा और युति गवर्नमेंट भी चुनाव जीतने वाले। जिस तरह से 2.5 साल उद्धव ठाकरे का कार्यकाल रहा, कांग्रेस का कार्यकाल रहा, महाविकास आघाड़ी का, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में उन्होंने तोड़ मरोड़ के अपनी सरकार बनाई, इस तरह का जनता का आरोप है, तो क्या लगता है क्या इसका असर इस इलेक्शन में देखा जा सकता है? क्या जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ फुल बहुमत में है जिस तरह से पिछली बार देखा गया था? कैसा है, लोगों का विश्वास भी होता है। पिछले चुनाव में अलायंस के साथ शिवसेना बीजेपी की अलायंस थी और जैसा अलायंस चुनाव जीतने हम तो दोनों पार्टी जीती थी जी, लेकिन जिस प्रकार से
उद्धव ठाकरे जी ने विश्वास दिखाया, विश्वास को पात्र ने उपाय, वो एनसीपी के साथ जाके उनके मांडे पे बैठ गए। तो उन्होंने सबसे पहले धोखा किसने दिया? बीजेपी ने दिया, उन्होंने दिया, उन्होंने दिया ना। वो नेचुरल जो लोग थे वो बीजेपी गवर्नमेंट के साथ थे, सेना गवर्नमेंट के साथ थे, लेकिन उन्होंने अपने जो लोग थे, अपने जो विधायक थे, उनको समय को एनसीपी कांग्रेस के साथ उन्होंने अलायंस कर ले। तो लोगों का उनके ऊपर विश्वास है या हमारे ऊपर विश्वास है? और जो बाला साहब की बाला साहब ठाकरे की ये थी जिस कारण वो शिवसेना थी, उसके विचारों को तोड़ मरोड़ करके उन्होंने एनसीपी के साथ कांग्रेस के साथ गए, तो उसमें से कुछ जिनके विधायक थे जिनको नहीं, उनको नहीं पसंद आया, तो वो लोग पहले से बोल रहे थे मत जाओ मत जाओ मत जाओ, आखिर गए तो उन्होंने अपनी व्यवस्था कर ली, तो कोई तोड़ मरोड़ के नहीं हुआ। ये उनके जो अलायंस थे वो अलायंस नेचुरल नहीं थे, इसलिए वो खुद के बलबूते पर टूटे, हमने नहीं, हमको नहीं तोड़ना पड़ा उनको। कोरोना काल की अगर बात की जाए, ढाई साल जो है वहां विकास अगाड़ी का रहा, उसके बाद आप लोग बहुमत में आए, कोरोना काल की बात अगर की जाए तो किस तरह के कार्य मोहन मते द्वारा अपने क्षेत्र में और नागपुर में किए? मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना ये दुनिया के ऊपर आई हुई आपत्ति थी, देश के ऊपर ही नहीं, हर देश में कोरोना के प्रॉब्लम्स थे। यहाँ पे हमने देखे कि पहला जो ये था फेस, उसमें उतनी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन बाद में जिस प्रकार के एम्बुलेंस की कमी, एम्बुलेंस मांगे तो 10-10 हजार लोग एम्बुलेंस वाले मांगते थे, हॉस्पिटलों की कमी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये स्थिति थी कि वहाँ एडमिशन मिलना मुश्किल था, और जो गरीब पेशेंट थे, गरीब रुग्ण थे, प्राइवेट में बेर नहीं कर सकते थे। उस समय हमने वो 3-3 एम्बुलेंस ले, कोविड सेंटर खोला, उसके बाद कम्युनिटी किचन खोला, ये जो 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 कर सकते थे कोविड में, वो हमने ईमानदारी से करने का प्रयास किया। कल शिंदे गुट की भी जो है पहली लिस्ट जारी हुई है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने 99 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की। महाविकास अगाड़ी कहीं ना कहीं अभी तक काफी समय कम रह गया है, अभी तक जो है महाराष्ट्र को लेकर कुछ भी लिस्ट, कुछ भी कैंडिडेट इनके जारी नहीं हुए, क्या लगता है क्यों इतना पीछे अभी तक जो है महाविकास अगाड़ी चल रही है, क्या विचार क्या है? जब इनका अलायंस जो हुआ पिछले वक्त, तो नेचुरल अलायंस था, और ये मिल तो गए खुन्नस के कारण, लेकिन अभी इनके टिकट के लिए इतने मारे मारे है, कांग्रेस एक तरफ खींच रही मेरा होना, शिवसेना दूसरी तरफ खींच रही मेरा होना, और उस चक्कर में उनका आज तक उनकी यादें डिक्लेयर नहीं हुई। कभी कभार तो हमें ऐसा लगता है कि इनका अलायंस तो ना टूटे, जिस प्रकार की इनकी अवस्था आ गई, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आए, आखिर कांग्रेस सेना है, कांग्रेस है, एनसीपी है, हमको लड़ना तो है, तो बीजेपी जमकर झटकर लड़ेगी। 23 नवंबर को परिणाम है, परिणाम के बाद क्या लगता है कि किस तरह से क्या वापस से तोड़ मरोड़ करके जो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या महाविकास आगाड़ी की बात करें या महायुति की बात करें, तो किस तरह से सरकार बनाने का? अभी कोई तोड़ मरोड़ का विषय नहीं, अभी ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना अलायंस, एनसीपी, ये स्पष्ट बहुमत पाएगी तो कोई तोड़ फोड़ का विषय नहीं होगा। तो स्पष्ट बहुमत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है, ऐसा कहना है मोहन मते जी का। 23 नवंबर को परिणाम, उसके बाद ही जो है ये जनता देखेंगी कि क्या महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनती है, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है, ये जनता तय करेगी। बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल, यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। इस वीडियो के प्रायोजक हैं सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक, ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। बुराणाला कामठी में आपका स्वप्न घर अब हो रहा है संभव। आओ जीवन के ख्वाब को सच करें, हमारे पास आपके लिए स्थानिक प्लॉट है, यहाँ आपको मिलेगा सीमेंट सड़कें जिनमें पेवर ब्लॉक्स लगे हैं,
अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, विकसित बागवानी और ओपन एयर जिम। सपनों का घर अब होगा संभव, क्योंकि ये है आपके बजट के अंदर।